देखो गाइस, अगर आप लोग अपने रिज्यूमे को बेस्ट करना चाहते हो, कुछ ऐसी स्किल्स और सर्टिफिकेशन ऐड करना चाहते हो जो कि 100% जेन्युइन हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हो, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूँ जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों के लिए एक इंटर्नशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ फूड के साथ इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट कर सकते हो। इस इंटर्नशिप के दौरान आप लोगों को स्टाइपेंड भी मिलेगा, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंटर्नशिप में सिलेक्शन के लिए और अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कोई फीस नहीं देनी, कोई एग्जाम नहीं देना, जस्ट आप लोगों को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो कि 5 मिनट में आप लोग कर सकते हो इस वीडियो की हेल्प से, जो कि एक एक स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इंटर्नशिप का मौका दिया जा रहा है वो कॉलेज स्टूडेंट को दिया जा रहा है, यानी कि अगर आप कॉलेज में इस टाइम पे पढ़ रहे हो तो इस मौके को आपको हाथ से नहीं गंवाना है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही लिमिटेड इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि स्पेशली आप लोगों को ट्रिकी मैन यूट्यूब चैनल हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने की। बाकी आई नो गाइज, आप में से कई लोग वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में जॉब भी करना चाहते हैं। देखो, अगर आपके पास स्किल है और डिग्री नहीं है तो आज के टाइम पे ये चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आप लोगों को इस टाइप की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में रीलेवल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, जो कि आप लोग को विदाउट डिग्री टॉप कंपनीज में जॉब दिलवा रहा है। अभी यहाँ पे एयरटेल कंपनी एयरटेल एक्स लैब्स की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन निकली हुई है, जहाँ पे बैकएंड इंजीनियर की जॉब नोटिफिकेशन है। 23 से 25 लाख रुपए का आप लोग को पैकेज मिल रहा है, मंथली 2 लाख रुपए आप कह सकते हो। यहाँ पे इनका ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को देना होता है, जस्ट रजिस्टर फॉर टेस्ट पे क्लिक करना है। जिस भी फील्ड में आप जॉब करना चाहते हो उसी फील्ड का आपको टेस्ट देना होता है। यहाँ पे बैकएंड डेवलपमेंट का टेस्ट आपको फ्री स्लॉट बुक करना होगा, जिस भी दिन आप फ्री हो इस फ्री स्लॉट को बुक करके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। 1000 मार्क्स का टेस्ट होता है, मिनिमम आपको 500 मार्क्स लाने होते हैं इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेजेस में जाते हैं और आप लोगों को गारंटेड इस कंपनी में जॉब मिल सकती है विदाउट एनी डिग्री। बाकी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो रीलेवल की तरफ से अब इनके ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आप लोग रीलेवल टेस्ट क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके अलग अलग फील्ड के ऑनलाइन टेस्ट हैं। यहाँ पे इन टेस्ट की कुछ वैल्यू भी है, जैसे कि ये पेड कोर्सेज हैं तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे की ऑफरिंग्स देख सकते हो, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग और आप लोग को कैप्चन प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ मिलते हैं इनके कोर्सेज में। लिंक आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आज ही आप लोग चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोग टॉप कंपनीज मीसो, पेटीएम, एयरटेल जैसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो अब आप लोग आगे बढ़ के इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री की इंटर्नशिप के लिए आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, उसका लिंक भी आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे आप लोग FSAI इंटर्नशिप पोर्टल पे पहुंच जाओगे, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है। यहीं पे आप लोग को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे ओपन करती है आप लोग के सामने ये डिटेल ओपन हो जाती है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आप लोग को फॉर्म फिल करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। पहले हम लोग ये सर्कुलर देख लेते हैं जिसमें सारी डिटेल मेंशन है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, ये जो इंटर्नशिप है वो अक्टूबर मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। सेप्टेम्बर मंथ में भी लिमिटेड डेट्स हैं आप लोग को अप्लाई करने के लिए, अक्टूबर मंथ से आप लोग इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर पाओगे इसको। दूसरा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप लोग इस टाइम पे अगर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो या फिर हायर डिग्री कर रहे हो इंडिया में या फिर अब्रॉड में, तो आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे परस्यूइंग लिखा है, यानी कि अभी आप लोग कॉलेज में होने चाहिए। अगर हम लोग डिग्री की बात करें कौन कौन सी डिग्री वाले स्टूडेंट अप्लाई हैं, देखो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आप लोग इंस्टीट्यूशन इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन, इनमें से कोई भी रिलेटेड फील्ड में आप लोग इस टाइम पे डिग्री कर रहे हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रिलेटेड कोई डिग्री कर रहे हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पीजी डिप्लोमा डिग्री वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, पब्लिक रिलेशन में कर रहे हैं तो। बीटेक में अगर आप लोग इस टाइम पे हो, चाहे कोई भी आप लोग सेमेस्टर में हो, इस टाइम पे सेमेस्टर आप लोग के लिए पर्टिकुलरली मेंशन है, थर्ड और फोर्थ ईयर में अगर आप लोग हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी रिलेटेड डिग्री कर रहे हैं तो। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी अलाउड है, अगर आप लोग बैचलर या फिर
मास्टर ऑफ लॉ डिग्री कर रहे हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप लोगों ने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है इन इंटर्नशिप के लिए। मल्टीपल एप्लीकेशन आप लोग को शेयर नहीं करनी है यहाँ पे इस इंटर्नशिप के लिए। टेन्योर की बात करें यानी कि कितनी मंथ की इंटर्नशिप होगी, तो मिनिमम 2 मंथ्स की इंटर्नशिप आप लोग की होने वाली है। आप मैक्सिमम 6 मंथ्स तक इसे ले जा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड फैमिली वेलफेयर है इनके ऊपर। अगर आप दोनों की ट्यूनिंग अच्छी होती है तो आप लोग इस इंटर्नशिप को आगे भी बढ़ा सकते हो। दूसरा, प्लेसमेंट ऑफ प्लेस ऑफ इंटर्नशिप एंड एरिया डोमेन ऑफ इंटर्नशिप। सबसे पहले हम लोग डोमेन बात करते हैं कौन कौन से डोमेन में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन की इंटर्नशिप है, जैसे फाइनेंस में एंड अकाउंट्स में इंटर्नशिप कर सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में इंटर्नशिप कर सकते हो, लीगल डिवीजन में इंटर्नशिप कर सकते हो, आईटी डिवीजन में अगर आप आईटी रिलेटेड अगर आप लोग बीटेक कर रहे हो तो आईटी में इंटर्नशिप कर सकते हो, साइंस एंड स्टैंडर्ड की इंटर्नशिप कर सकते हो, फूड इंपोर्ट्स की इंटर्नशिप है, फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग की इंटर्नशिप है। यहाँ पे कुछ अलग अलग सिटी भी मेंशन है क्योंकि ये जो इंटर्नशिप है वो आप लोग की ऑफलाइन इंटर्नशिप होने वाली है, तो अगर आप लोग इन सिटीज के आसपास भी रहते हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो ये सब्जेक्ट्स थे, डोमेन इंटर्नशिप थे, वो न्यू दिल्ली के लिए थे। दूसरा, मुंबई और चेन्नई में भी आप लोग ये इंटर्नशिप कर सकते हो, कोलकाता एंड गाजियाबाद में भी इंटर्नशिप कर सकते हो और रक्सौल बिहार में भी ये इंटर्नशिप आप लोग कर सकते हो। इन सिटीज के आसपास भी अगर आप रहते हो, आप लोग अकोमोडेशन मैनेज कर सकते हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, रिलोकेट कर सकते हो, तो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। वर्किंग स्पेस की बात करें तो आप लोग के पास लैपटॉप खुद का होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटीज जो है और जो वर्किंग स्पेस है वो आप लोगों को यही ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर देगी। आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी ये चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आप लोग देख सकते हो। लास्ट डेट की बात करें एप्लीकेशन अप्लाई करने की इंटर्नशिप में 15 सितंबर है, 4 से 5 दिन ही आप लोगों के पास बचे हैं। तो इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो, अपने कॉलेज ग्रुप्स में भी बता दो सभी को, टीचर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस टाइप की इंटर्नशिप का फायदा उठा सके। लिमिटेड टाइम के लिए इस टाइप की इंटर्नशिप एक्टिव होती हैं, तो इस चीज़ का आप लोग दबा के फायदा लो। यहाँ पर बात करें आप लोग रिजल्ट की, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे 25 सितंबर को आप लोगों को रिजल्ट भी मिल जाएगा और 3 अक्टूबर से आप लोगों की इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप लोग को एक तो NOC चाहिएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपने कॉलेज से देना होगा कि आपके कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप 2 मंथ्स की इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो दूसरा, आप लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। तीसरा, आप लोग को प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। ये 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। ये तीनों ही डॉक्यूमेंट आप लोग को आपके कॉलेज से मिल जाएंगे। तीसरा, यहाँ पे इंटर्नशिप स्कीम जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहती है आप लोगों के लिए, तो अभी आप लोगों के लिए एक्टिव है तो अभी आप लोगों को अप्लाई करना है इस इंटर्नशिप के लिए। चौथा, यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे आपको ₹10,000 स्टाइपेंड मिलेगा फॉर द होल इंटर्नशिप, यानी 2 महीने की इंटर्नशिप, 2 महीने में आप लोगों को ₹10,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। बाकी ये चीजें चेक की जाएंगी, कितने आप लोगों के अटेंडेंस रहती है, असेसमेंट वगैरह आप लोगों के सारे जो भी रिव्यूइंग ऑफिसर्स होंगे वो आपके चेक करेंगे। तीसरा, यहां पे सर्टिफिकेट की बात करें, यहां पे अवार्डेड सर्टिफिकेट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप। जैसे ही आप इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे आप लोगों को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही वैल्यूएबल ये सर्टिफिकेट रहने वाला है, जिसका फायदा आप लोग को जरूर उठाना चाहिए। अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, तो आप लोग के लिए आप लोग को इसी इंटर्नशिप पोर्टल पे जाना है। कुछ बेसिक से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता देता हूं जो कि आप लोगों को फॉर्म फिल करते टाइम फायदे में रहेंगे। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करनी है, जिस भी डिग्री से आप लोग अप्लाई कर रहे हो। दूसरा, यहाँ पे प्लेस ऑफ इंटर्नशिप आप लोग को सेलेक्ट करनी है, कौन सी इंटर्नशिप, कौन सी प्लेसमेंट, कौन सी सिटी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो। चौथा, यहाँ पे आप लोगों को डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हो सिटी, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट भी ओपन हो जाते हैं, जैसे आईटी वाली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आपका अपना नाम देना है, फादर का नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है, जेंडर, नेशनलिटी इंडिया आपकी, मेलिंग एड्रेस आप लोगों का घर का एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कोर्स करंटली परस्यूइंग, आप लोग कौन सी डिग्री कर रहे हो इस टाइम पे वो आपको मेंशन करना है, बीटेक कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, नेम ऑफ द करंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपके करंट यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और कितने महीने का कोर्स आप लोग इस टाइम पे डिग्री कर रहे हो। इस टाइम पे यहाँ पे मंथ्स में ऐड कर रहे हैं, 4 साल की डिग्री कर रहे हो तो 48 मंथ्स लिखना है, 3 साल की डिग्री कर रहे हो तो 36 मंथ्स लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th के मार्क्स लिखने हैं, पहले 10th में आपके कौन कौन से 5 सब्जेक्ट थे, 12th में आपके कौन से सब्जेक्ट थे, नेम क्या था यूनिवर्सिटी का या फिर एफिलेटेड किससे था आपका स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है, परसेंटेज CGPA रहा है या फिर परसेंटेज रहा है, ये करोगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन ओपन होगा। मेजर प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने अब तक कोई पास्ट में किए हैं, किसी भी इंटर्नशिप पे काम किया है, कोर्स किए हैं, वो आपको एडअप करने हैं। उसका किस इंटरेस्ट किस में रहा है, सब्जेक्ट में क्यों इंटरेस्ट रहा है, क्या करना चाहते हो इस सब्जेक्ट में और क्यों आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। इस इंटर्नशिप के लिए आप लोग को आपकी एक फोटो भी अपलोड करनी है, लास्ट आपको सबमिट कर देना है प्लेस ऑफ सबमिशन ऐड करके। तो इस तरीके से आप लोग को इस इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, अगर कोई भी डाउट रहता है वहां पे मैं सॉल्व कर दूंगा आप लोगों की क्वेरी। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।